सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली ये है हम लोग का होटल, होटल सनशाइन। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है सुबह के 7:30, थोड़ा सा लेट हो चुका है। एक्चुअली हम लोग 7 बजे निकलने का प्लान था, 7:30 बज गया है। बाकी सब कुछ बढ़िया है, आज का ट्रिप मीटर भी कर देते हैं 0। एनीवेज चलो सुबह के 7:30 अभी हम लोग निकलते हैं ये होटल से। होटल से 1 मिनट भी नहीं लगता है, सामने है सी बीच और हम लोग एज यूजल बाएँ जाते थे, नॉर्मली बाएँ जाते थे हम लोग, मगर आज जाएंगे दाहिने की तरफ, इस तरफ। जस्ट बिकॉज ऑफ के अभी पूरी बाईपास हो गया है तो यहाँ से भी रास्ता हो गया है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। मेरे बाएँ तरफ है समुंदर, सी बीच, बहुत ही प्यारा लग रहा है सुबह सुबह। और इस तरफ बहुत सारा होटल है, बहुत सारा होटल है, सस्ता होटल भी है, महंगा होटल भी है, मतलब यहाँ पे हर कुछ मिल जाता है। ये बीच साइड में रुकने को अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज अब थोड़ा सा खाली खाली रहता है, यहाँ का सी बीच भी थोड़ा सा खाली खाली है। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा मिल जाता है तो भाई दिल खुश, क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। देखो मेरे बाएँ तरफ पूरा समुंदर, अभी समुंदर को अलविदा करके हम लोग चल पड़ेंगे हाईवे की तरफ। यहाँ से लिखा हुआ है साकी गोपाल 23 भुवनेश्वर 67। चलो सुबह सुबह निकल गया, हल्का सा लेट है, 7:30 बज गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है। अभी घर लौट रहे, आ गए वही मोड़ पे जहाँ से राइट तरफ मतलब डाइने तरफ चला जाता है पूरी सिटी की तरफ। हम लोग पहले जब जाते थे तब पूरी सिटी होके वही रोड से, ये डाइने वाला रोड से ही जाते थे, मगर अभी ये जो बाईपास हो गया है, ये बाईपास बहुत ही खूबसूरत हो गया है। बस 10-15 किलोमीटर आगे ही हम लोग को पेट्रोल पंप मिल जाएगा, क्योंकि आते वक्त भी मैंने पेट्रोल रिफ्यूल किया था वही पेट्रोल पंप से, तो वही पेट्रोल पंप से जाते वक्त भी हम लोग पेट्रोल रिफ्यूल कर लेंगे, दोनों का गाड़ी का ही रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो कुछ देर आने के बाद मिल गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, 731 का पेट्रोल भरा लिया, 7 लीटर के ऊपर पेट्रोल गया मेरा, तो इससे मैं तो आराम से घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 4 लीटर का पेट्रोल था। फिलहाल के लिए यहाँ से भर लेंगे अभी पानी, पेट्रोल पंप से पानी मिल जाता है तो हम लोग ना पेट्रोल पंप से ही पानी भर लेते हैं, पेट्रोल पंप से पानी भर लेते हैं, बाहर से पानी वानी खरीदते नहीं, क्योंकि पेट्रोल भरना पड़ता है जब तब पानी भी रिफ्यूल कर लेते हैं। बेसिकली बाहर से पानी खरीदेंगे तो 20 रुपये देना पड़ेगा, उससे अच्छा है यहाँ से ही भर लेते, पेट्रोल पंप का पानी सही होता है, अच्छा होता है, ठंडा भी होता है। 28 किलोमीटर बाद हम लोगों ने पेट्रोल भर लिया और पानी भी रिफ्यूल कर लिया। सामने है पूरा खाली हाईवे, यहाँ से भुवनेश्वर, उसके बाद कटक, कटक के बाद हम लोग कोई ना कोई जगह पे रुकेंगे जहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। टाइम हो चुका है सुबह के 8 और 28 किलोमीटर हम लोग होटल से बाइक चला के आ चुके हैं। ये हाईवे पर ना अच्छा स्पीड मेंटेन भी कर सकते हैं हम लोग, और मतलब खाली भी है सुबह सुबह तो अच्छा लग रहा है, और धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, पार्टनर भी एकदम सही चल रहा है, और राइट साइड का लुकिंग ग्लास ये बहुत ही ज़्यादा देख के चलना पड़ता है, जैसे कि ये सब फोर व्हीलर जब ओवरटेक करता है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, इधर उधर नहीं कर सकते ना। तो देखते देखते आ गया दिन का पहला टोल प्लाजा, टाइम हो चुका है 8:20। तो ये टोल प्लाजा को करते हुए बाय बाय हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। टाइम हो चुका है सुबह के 8:40 और हम लोग अभी पहुंच गए हैं भुवनेश्वर में। यहाँ से हम लोग को लेना पड़ेगा राइट की तरफ, ये सामने जो ब्रिज आता है ये ब्रिज के बाद हम लोग को जाना पड़ता है दाहिने तरफ। चलो हम लोग हो गए हैं अभी दाहिने तरफ, मतलब ब्रिज के बाद अब सीधा जाना पड़ेगा कटक, यहाँ से सीधा है कटक। भाई ये रोड पे जैसे ही आ गया ना ऊपर में हम लोगों को ये देखो स्पीडोमीटर मिलना भी स्टार्ट हो गया, 60 से ऊपर जाएगा तो बाइक का केस हो जाएगा, ओवर स्पीडिंग का केस 2000 होता है और यहाँ पे 60 के ऊपर ही ओवर स्पीडिंग माना जाता है ओडिशा का हाईवे में। चलो यहाँ से कुछ डिस्टेंस लिखा हुआ है, कोलकाता 416 और बालासोर है 175 किलोमीटर। ये दाहिने तरफ जाने से ना वो सिटी के अंदर चला जाता है, और लास्ट टाइम में ना मैं वही सिटी के अंदर से चला गया था तो मुझे याद है। चलो देखो यहाँ से देखो ये जो राइट वाला रोड जाता है ना, ये वाला, तो ये वाला रोड वो सिटी होके जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक होता है नीचे, वो सिग्नल वगैरह सब कुछ होता है, और ये ऊपर से जो ब्रिज चला गया है ये बाईपास हो गया है ट्रैफिक से बचने के लिए। अभी ऑलमोस्ट तो 9 बज गया है और जल्द से जल्द हम लोगों को ये कटक सिटी को क्रॉस करके आगे बढ़ना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। वैसे हम लोगों को वही 3 लेन वाला टारमैक रोड मिल गया है, बढ़िया सा रोड है। कुछ देर बाद टोल गेट आएगा, टोल गेट के बाद फिर से अच्छा रोड, मतलब और भी नया वाला रोड मिल जाएगा, मगर जो भी है ये रोड पे ना वो स्पीडोमीटर बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है, पर स्टैंडर्ड 80 के स्पीड पे भी नहीं चला सकते, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। चलो देखते देखते आ गया सामने वो टोल प्लाजा, ये है दिन का 2 नंबर टोल प्लाजा।
पहले ये सब टोल प्लाजा का कंडीशन भी अच्छा नहीं था, अभी देखो एकदम चकाचक हो गया है टोल प्लाजा भी। चलो यहाँ पे हम लोग रुक के करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पे मिलता है बहुत सारा ढाबा, बहुत सारा दुकान। चलो ये बाएं वाले दुकान पे कर लेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। धूप तो काफ़ी तेज़ है, अंदर जाके खाना पड़ेगा, मगर बाइक हम लोग अंदर भी रख सकते थे, डजेंट मीन यहाँ पे। चलो यहाँ पे ही रखते, क्योंकि अंदर बैठ के खाएंगे तो गाड़ी अपने आंखों के सामने ही रहेगा, बेटर रहेगा। चलो कितना किलोमीटर आए हम लोग, 115 किलोमीटर आए। ये देखो हम लोग का आ चुका है बड़ा, बड़ा का साइज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा साइज है बड़ा का, है ना, बहुत बड़ा बड़ा साइज है, खाने में भी अच्छा लग रहा है हम लोग को, मस्त खाना है। और वहाँ पे देखो हम लोग का गाड़ी खड़ा हुआ है, ये मेरा है और ये मेरा पार्टनर का है, और ये है ढाबा जहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, नाम पढ़ना तो मुझे आता नहीं है उड़िया में। वैसे अभी काफ़ी तेज़ धूप है भाई, काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी लग रहा है, अगर चलाऊँगा तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। अच्छा खासा खाना हो गया, बड़ा था हम लोगों का खाने में, बड़ा और उसके साथ साथ लास्ट में मीठा भी लिया था। तीन बड़ा का प्राइस 30 रुपये और एक मीठा 10 रुपये, एक एक का 40 करके टोटल 80 रुपीज़ हम लोगों का बिल हुआ यहाँ पे। और यहाँ से डिस्टेंस लिखा हुआ है कोलकाता का 374 किलोमीटर, खड़गपुर है 277 और बालासोर है 133 किलोमीटर्स। क्या बढ़िया सा हाईवे है भाई, क्या बढ़िया सा हाईवे है। अभी कोलकाता टू पुरी वाला रास्ता जो है कंडीशन तो बहुत ही बढ़िया कर दिया गया है, डाइवर्सन्स बहुत कम हो चुका है। पहले ये रोड पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सन्स था, खास तरीके से ये भद्रक और बालासोर के बीच में ये रोड पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सन्स था, और यहाँ से तो बालासोर तक का जो रोड है बहुत ही बढ़िया रोड है। मगर एक चीज़ है कि आज बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड है, मतलब ऑपोजिट से बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड हो रहा है, तो इसीलिए गाड़ी ना तेज़ भगा नहीं पा रहे। ठीक है वही 80-85 के एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। देखते देखते हम लोग अभी पहुंच गए हैं जाजपुर में। रोड कितना बढ़िया है जाजपुर में, यहाँ पे पहले डाइवर्शन हुआ करता था, ये रोड पे तब काम चल रहा था, मेरे को याद है अच्छी तरीके से। मेरा पार्टनर काफ़ी देर से पीछे है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं, यहाँ पे तो पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं है, तो धूप में ही थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है थोड़ा सा रुक जाते हैं, आने देते हैं उसको। चलो मेरा पार्टनर आ गया है, क्योंकि मेरा पार्टनर का थोड़ा सा आँख लग रहा था। क्या होता है थोड़ा सा हल्का हल्का नींद आने से ना हमेशा रुक जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो मेरा भी कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का हल्का नींद आता है, फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं चला लेते, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है ये जाजपुर के बाद बहुत ज़्यादा डाइवर्शन था, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्शन था ये सब जगह, तो खास तरीके से हम लोग जहाँ से भी गुजर रहे अभी ये सब जगह बहुत ही बढ़िया हो गया है। कोलकाता टू पुरी वाला हाईवे पूरा ठीक जब तक हो जाएगा तब तो और भी कम टाइम लगेगा, और भी अच्छा हाईवे होने से क्या होता है ना, चलाने का राइड करने का मज़ा आता है। चलो आ गया दिन का तीसरा टोल प्लाजा, जाजपुर के बाद ही है, जाजपुर के 10-15 या तो 20 किलोमीटर के बाद ही ये टोल प्लाजा मिलता है। ये जगह का नाम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बहुत साल पहले यहाँ पे एक बार पुलिस चेक पोस्ट हुआ करता था, तो यहाँ पे मुझे वो रोक के वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक किया था, मुझे याद है बहुत साल पहले, 5 साल पहले तो होगा ही होगा। तो टाइम हो चुका है देखते देखते ऑलमोस्ट 11, दोपहर के नहीं सुबह के 11, दोपहर कुछ देर बाद ही हो जाएगा। आज का तो गर्मी है थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि धूप आज थोड़ा सा तेज़ है, क्या होता है ना थोड़ा सा थकान ज़्यादा होता है, थकान महसूस थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। आ गया दिन का पहला डाइवर्शन मैं बोलने वाला था पहला टोल प्लाजा। ये डाइवर्सन पे अपोजिट लेन से बहुत सारा ट्रक आता है, गाड़ी आता है, तो थोड़ा सा देख के भी चलना पड़ता है। चलो ये सही है। और ये डाइवर्सन्स में इतने प्यारे प्यारे बम्पर छोटा सा डाइवर्सन था, ख़त्म हो गया, फिर से थोड़ी देर आगे डाइवर्सन मिलेगा, अभी 10-12 किलोमीटर ऐसे चलना है। तो आ गया दिन का और एक टोल प्लाजा, ये शायद चौथा टोल प्लाजा होगा। एनीवेज ये है बालासोर का टोल प्लाजा, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बालासोर में और टाइम हो चुका है 12:10 और 250 किलोमीटर फ्रॉम पुरी
250 किलोमीटर का राइड हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं। चलो बढ़िया है। दिन का टोटल हम लोग का है 520 किलोमीटर का राइड, तो जिसमें से आधा राइड हो चुका है कंप्लीट। अभी तो रुकना पड़ेगा भाई, अभी तो रुकना पड़ेगा, तो रुकेंगे भाई 15-20 मिनट के लिए रुकेंगे। बहुत देर से बाइक चला रहे हैं, कमर में हल्का हल्का पेन हो रहा है और थोड़ा सा रुक के पानी पीना है क्योंकि प्यास लग रहा है। ऐसा जगह चाहिए था। थोड़ा दूर आगे भी एक पेड़ है, वहाँ पे भी रुक सकते थे, मगर यहाँ से दिख रहा है कि भीड़ है, मगर ये जगह अच्छा लग रहा है। अपना कमर हो गया है टाइट और यहाँ से देखो वो एक ट्रेन लाइन भी दिखाई दे रहा है। यार यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाया क्योंकि हम लोगों के बैग में जो पानी था वो पानी एकदम गर्म हो चुका है। हम लोग सोचा था थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे, मगर वो पानी पीने का लायक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। बस 5 मिनट खड़ा हुआ यहाँ पे, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ज्वालेश्वर यहाँ से दिखा रहा है माइलस्टोन में 38 किलोमीटर। चलो 38 किलोमीटर तक जाते हैं, यहाँ पे बस 5 मिनट के लिए रुका था। यार अभी गर्मी जो है ना, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, जो भी मतलब चलाते चलाते हवा भी लग रहा है मगर गर्मी भी अच्छा खासा ही लग रहा है। और मैं दोपहर में लंच इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि दोपहर में लंच करने के बाद ना वो थोड़ा सा सुस्ती लगता है और हल्का हल्का नींद सा लगता है, तो इसीलिए मैं दोपहर को खाना वाना नहीं खाता हूँ। एक दो केक बिस्किट ये सब से ही मैं दोपहर का खाना जो है चला लेता हूँ। चलो देखते देखते सामने आ रहा है एक डाइवर्शन और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बम्पर मिल सकता है। ओहो, बोलते ही बोलते एक बम्पर था यहाँ पे, ये लो आ गया दूसरा बम्पर भाई साहब। ओ बस ज्वालेश्वर आने ही वाला है, मगर उसके पहले ये डाइवर्शंस में बम्पर भरा हुआ है। चलो देखते देखते आज का दिन का 300 किलोमीटर हो गया है कंप्लीट। टाइम हो गया है दोपहर का 1:15, 300 किलोमीटर हो गया है अभी। और मेरा घर यहाँ से 220 किलोमीटर है, 1:15 मतलब 6:30 बजे तक तो आराम से घर पहुँच सकता हूँ। यहाँ का हवा में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, चारों ओर खेती ही खेती है, तो इसीलिए लग रहा है कि हाँ जो जगह से जा रहा हूँ तो थोड़ा सा महसूस अच्छा हो रहा है। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं ज्वालेश्वर टोल प्लाज़ा में। सामने यहाँ से दिख रहा है 1 किलोमीटर आगे ज्वालेश्वर टोल प्लाज़ा, और यहाँ पे बहुत सारा छोटा मोटा ढाबा था, मगर वही सोच रहे हैं कहाँ पे रुकेंगे, देखता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। ये ज्वालेश्वर टोल प्लाज़ा है और ये है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर। तो ऑफिशियली अभी हम लोग उड़ीसा को क्रॉस करके अभी हम लोग घुस रहे हैं वेस्ट बंगाल में। खड़गपुर 61 किलोमीटर, कोलकाता है 191 किलोमीटर। चलो खड़गपुर में जाके रुक सकते हैं, मगर प्यास लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है। अभी कितना प्यारा सा जगह है देखो, मेरे बाएं तरफ पूरा खेत है, पूरा ग्रीन खेत, कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना बड़ा खेत, मतलब ये लोकेशन ही बहुत प्यारा लोकेशन है भाई। तो थोड़ा सा अच्छा लोकेशन देख के थोड़ा सा 10 मिनट रुकूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। जो गर्म पानी है और अपने हाइड्रेशन पैक में भी जो पानी है वो शायद थोड़ा सा ठंडा हो सकता है, अभी दिमाग में आया, तो थोड़ा सा रुक के देख लेते हैं यहाँ पे। क्या प्यारा सा लोकेशन है भाई, ओहो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, क्या गजब लग रहा है देखो। और यहाँ का जो हवा बह रहा है ना, ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, मज़ा आ रहा है। ये पानी थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा, और बोतल में जितना पानी था बहुत गर्म था तो वो भी पी लिया। बात ये है कि पानी गर्म है मगर प्यास बहुत ज़्यादा लग गया था। करना पड़ता है भाई राइड में, बहुत कुछ करना पड़ता है। आधा एक घंटा से प्यास को दबा के रखा था, तो फाइनली अभी लगा कि नहीं और दबाना ठीक नहीं है, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है। पार्टनर शायद थोड़ा सा आगे चला गया, वो जाके भी रुक जाएगा, टेंशन नहीं है, भाई जाके नहीं रुकता है तो वो पीछे आएगा, उसका भी टेंशन नहीं है। वैसे मेरे पास एक किटकैट था, हालत देखो क्या हो गया। दस मिनट का ब्रेक ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पे और 5 मिनट से ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बस पानी पीना हो गया, थोड़ा सा किटकैट विटकैट, हल्का भूख लग रहा था, मतलब मुंह का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बदल रहा था तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। चलो अभी फिर से अभी मिलते हैं रोड पे, देखता हूँ पार्टनर आगे कहाँ पर जाके रुका हुआ है। चलो तो मैंने ब्रेक ले लिया, बॉडी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था और बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो चुका था। देखते देखते मैंने 335 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर चुका हूँ, 335 जी हाँ 335 किलोमीटर का राइड कंप्लीट हो चुका है। टाइम हो गया है 2:05, और वैसे भी मैं दोपहर का लंच वंच ऐसे भी भारी पेट नहीं करता हूँ, छोड़ दिया हूँ ये सब हैबिट,
दोपहर में लंच करने से ज़्यादा नींद आता है, सुस्ती आता है, उससे अच्छा है कि शाम को कोई जगह पे रुके, हल्का सा नहीं पेट भर के खा लूँ, तो शाम के बाद ना वो नींद नहीं आता है। दोपहर में खाना जैसे ही पेट में चला जाता है उसके बाद ही नींद आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से खड़गपुर तक नॉनस्टॉप डाइवर्शंस मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं है खड़गपुर यहाँ से, और 40 किलोमीटर के आसपास होगा। वैसे दांतों के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्शंस है, और डाइवर्शन का कंडीशन कुछ ऐसा है ओहो, यहाँ पे ये सब डाइवर्शन में ना डेली हर दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है, तो देख के चलना बेटर रहेगा। ये एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है, उड़ीसा में जितना गर्मी लग रहा था यहाँ पे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है, और डाइवर्शंस है तो इसीलिए थोड़ा सा तो थकान होता है। ये बम्पर क्रॉस करके जाना पड़ता है, ट्रक को ओवरटेक करना पड़ता है ये डाइवर्शन में। ये बच्चे लोग विदाउट हेलमेट ये रोड पर देखो रेस लगाता है, हम लोग जैसे ही जाते हैं ना मेरे को देख के भगा रहा है सामने। तो चलो अभी पहुंच गया हूँ खड़गपुर में, ये बाएं तरफ चला जाता है खड़गपुर टाउन की तरफ, सिटी टाउन जो भी बोलो, ये बाएं तरफ चला जाता है। ये दाहिने तरफ हम ले लिया मुंबई रोड की तरफ जो कि जाता है एकदम सीधा कोलकाता तक। यहाँ से कितना होगा 118 या तो 120 किलोमीटर होता है यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस। लेट्स सी आगे तो वो माइलस्टोन दिख जाएगा, वहाँ पे कितना किलोमीटर होगा नहीं होगा वो पता लग जाएगा। सामने आएगा डेबरा टोल प्लाजा। वैसे देखते देखते अभी टाइम हो रहा है 3, जी हाँ दोपहर के 3, और मैंने जस्ट अभी खड़गपुर क्रॉस कर दिया। हल्का सा लगा शायद उसको, रुक के देखना चाहिए था मगर वो भाग गया। मैं दूर से समझ गया था वो आएगा बाएं तरफ, तो ये जो बस जा रहा था ना देखो ऊपर में लिखा हुआ है एनिमल एम्बुलेंस, यही कुत्ते को उड़ा देने वाला था। क्या एनिमल एम्बुलेंस लिख के रखा है भाई, इसके वजह से वो कुत्ता जा रहा था, वो कुत्ता आ रहा था मेरे गाड़ी के नीचे। दूर से ना मुझे लगा कि वो आने वाला है, इधर ही आने वाला है, और कुत्ते के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, मेरे घर में भी एक है ना, मुझे पता है उन लोग क्या करने वाला है, दूर से देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूँ। था बीच में और मुझे पता था कि मैं लेफ्ट में हूँ तो वो लेफ्ट में ही आएगा, लगा नहीं चलो उस बेचारे को, अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे स्लो किया था और गाड़ी एकदम कंट्रोल में था मेरा, तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअली मैं ब्रेक कर देता सॉलिड ब्रेक वहाँ पे, मतलब एकदम सडल ब्रेक भी कर देता, मगर क्या है ना मेरे जो पीछे था, मतलब ये लेन पे मैं था, ये लेफ्ट वाला लेन पे था, तो लेफ्ट वाला लेन पे भी पीछे एक तेज़ी से बहुत तेज़ी से बस आ रहा था, वो भी ब्रेक कर दिया सडल ब्रेक वो भी किया, वो मेरे पीछे ही था, उसको बचाने के चक्कर में मैं अगर सडल करता तो वो पीछे वाला बस मेरे को उड़ा के देके चला जाता, तो मुझे वो टाइम में ना वो पीछे भी ध्यान रखना पड़ा और सामने भी ध्यान रखना पड़ा, अगला 5 सेकंड में मेरे साथ क्या हो सकता है थोड़ा सा सेंस को काम लगाना पड़ता है। चलो एंटरिंग टू कोलाघाट, कोलाघाट अभी पहुंच चुका हूं, टाइम हो चुका है कितना 3:45, चलो बढ़िया है, और कितना किलोमीटर चला लिया 445 किलोमीटर हो गया पूरी से। तो फिर से कोलाघाट का ब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं और नीचे से जा रहा है रूपनारायण नदी, मगर नीचे धुआं हुआ कहाँ से उड़ रहा है भाई, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे केक बिस्किट मिल जाएगा, ये बढ़िया रहेगा, केक बिस्किट समोसा, हाँ केक तो बढ़िया लगता है भाई दोपहर को। चलो मेरा फेवरेट केक भी दिख गया यहाँ से, हाँ जी एक घंटा वेट कर लिया, यहाँ पे पहुँचा था 3:45 को यहाँ पे पहुँचा था, तो अभी बज गया देखो 4:40, पार्टनर बहुत ही पीछे रह गया है। चलो आ गया, अभी भी मेरा घर यहाँ से 75 किलोमीटर का दूरी पे है, अभी भी 75 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर, तो अब तक कितना चला के आ चुके हैं, ओ अच्छा 450 हो गया, चलो बढ़िया है भाई।
ये देखो तीनों के सर पे किसी का भी हेलमेट नहीं है। बच्चा बच्चा लड़का ये हाईवे पे चलाता है और एक के सर पे भी हेलमेट नहीं है। यार हेलमेट पहन लिया करो, हेलमेट पहन लिया करो, जो भी करना है करो हेलमेट पहन लो। चलो यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट जो लेन है वो अलग से ही पहले से ही यहाँ पे बाइक और थ्री व्हीलर्स के लिए अलग से कर दिया गया है, और अगर सीधा जाते हैं तो फंसेंगे। क्या चला रहा है देखो ये बस, बाप रे बाप भयंकर चला रहा है। देखो इधर उधर कट मार रहा है। ओ हो भाई साहब ये तो बाएं वाले लेन पे भी घुस गया जहाँ पे बाइक फाइक जाता है, छोटा गाड़ी जाता है। क्या खतरनाक चला रहा है। देखो क्या भयंकर भाई गाड़ी चलाता है, क्या भयंकर गाड़ी चलाता है। बाप रे बाप, देखो 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 कैसे कट मार रहा है। चलो टाटा और अबे। चलो हम निकलते हैं अभी, यहाँ पे टाइम हो गया है 5:50 और ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर क्रॉस होने वाला है। दोनों का जर्नी यहाँ तक था, अभी मैं अकेला घर जाऊँगा और वो जाएगा सीधा डानकुनी की तरफ और हम जाएंगे बाएं की तरफ। चलो अभी फटाफट ये ट्रैफिक को ख़त्म करके सेकंड हुगली ब्रिज पे चलते हैं, उसके बाद माँ फ्लाईओवर, उसके बाद बाईपास होके अपना घर। तो चलो अभी देखते देखते पहुँच गया सेकंड हुगली ब्रिज। टाइम हो चुका है 6:05। जो भी बोलो अपने शहर पे आने का खुशी कुछ अलग ही होता है। हर बार जब मैं दूसरा शहर से जब खुद का शहर पे आता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तो चलो टाइम हो गया है शाम के 6:30 और ऑलमोस्ट 520 किलोमीटर प्लस हम बाइक चला के आ गए हैं। और ये है पाटुली मोड़, मतलब पाटुली बाईपास जिसे कहा जाता है, हमार भालोबासर शहर कोलकाता। चलो घर पहुंचने में अभी और 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाद मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा। तो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले कुछ बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो लोग मेरे कोर सब्सक्राइबर है, जो लोग मेरे मतलब जो लोग मेरा ब्लॉग दिल से देखता है और बहुत दिनों से देखता है, तो उन लोगों को समझ में आएगा। और मैं पहला ही ब्लॉग में मैं बताया था कि मेरा कुछ बात है जो मैंने 4 महीने से कुछ बताया नहीं है। लद्दाख से लौटने के बाद कोई वीडियो बनाया भी नहीं है। पहले प्लान था कि कुछ दोस्तों के साथ आऊँगा, बहुत सारे लोगों के साथ आऊँगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, छोटा सा नहीं गिर गया था। तो गिरने के बाद एलएस स्पाइन का एक बोन क्रैक हो गया है जिसके वजह से मेरा पापा खड़ा नहीं हो पा रहा है और 1 महीने से वो बेड रेस्ट में है और बहुत तकलीफ़ में है। एक्चुअली पूजा देने के लिए गया था मैं जगन्नाथ महाप्रभु के पास, हर बार जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी वो टाइम नहीं है कि मैं अपने पापा को छोड़ के वैसे मैं कोई ट्रिप पर निकल जाऊँ। ये बस 2 दिन के लिए निकला था, बस महाप्रभु का पूजा देने के लिए। तो यही एक्चुअल बात है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं शेयर करूं। मैं ये सोचा था कि मैं पहला ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग सोच सकते हो, या तो ये भी हो सकता है कि सिंपैथी गेन कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू गेन एनी सिंपैथी, मेरा सिंपैथी गेन करने का कोई मकसद ही नहीं है। और ब्लॉग के एंड में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कोर सब्सक्राइबर है, जो मुझे दिल से पसंद करता है, दिल से चाहता है, तो वो लोग मेरा ब्लॉग एंड तक देखता है। पापा घर में बीमार है, पापा घर में इंजर्ड है, पापा मेरे वो बेड से उतर नहीं पा रहे, तो मैं उनको छोड़ के मैं कैसे ट्रिप में जाऊंगा? 7 दिन 8 दिन 10 दिन का ट्रिप में मैं कैसे जाऊंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो एनीवेज ये था जो लास्ट बात मैं फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम में भी शेयर किया था कि इस साल शायद मैं और राइड नहीं कर पाऊँगा, और उसका रीज़न यही था। आप लोग दुआ करना, जो लोग मेरे करीब हो, जो लोग मेरा ब्लॉग एंड तक देखते हो, जो लोग मुझे दिल से चाहते हो, तो थोड़ा सा दुआ करना मेरे पापा के लिए कि मेरा पापा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। बस इसी को बोल के मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप गाइस कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को और ये वाला सीरीज़ 2 दिन का ये आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर देना। अगर फिर से कोई जगह निकले तो ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा और ब्लॉग को यहाँ पर और लेंदी नहीं करूँगा।
चलो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट एंड डू नॉट रेस। बाय बाय।